सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज का मेरा वीडियो है, थोड़ा एक रिक्वेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो मेरे कुछ दोस्त लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, जो मोबाइल पे HD थंबनेल कैसे बनाया जाता है इसको दिखाने के लिए। तो आप लोगों को पता है, एक वीडियो चलने के लिए थंबनेल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप कोई मूवी है, मूवी बनाता है, तो इसका कोई जब पोस्टर बनाता है, पोस्टर में ही पता चल जाता है मूवी क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होगा। तो मतलब इसलिए कोई भी वीडियो जब बनाता है, तो वीडियो का अंदर क्या है नहीं है वो तो बात की बात है। सबसे पहले आपको देखा जाता है थंबनेल। तो थंबनेल अगर अच्छा बनाए तो आपका व्यूज अच्छा आने का उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग आज देखेंगे, आप अपना मोबाइल से, कोई लैपटॉप या कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आप अपना मोबाइल से थंबनेल बना सकते हैं और बहुत ही इजी। तो मेरा ये वीडियो हो सकता है कुछ 6-7 मिनट का हो सकता है, तो आप लोगों से गुजारिश है, आप मेरा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको इजीली पता लग जाए जो कैसे आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपका हाथ में जो भी मोबाइल है आप उसी मोबाइल से कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक छोटा सा ऐप जो यूज़ करूँगा, वो उस ऐप भी कहाँ से लेना है, या तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उधर से ले लेने का। तो चलिए दोस्तों, हम चलता है मोबाइल की स्क्रीन पर जाके देखते हो कैसे आप इसको कर सकते हैं। ओके भाई। तो जैसे आप इस ऐप को खुलेगा, आपके पास डिफॉल्ट सेटिंग ऐसे ही ओपन होगा। ऐसे ओपन होने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपको किधर से मिलेगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग सीधे उधर से लीजिए। नहीं तो इसका नाम है पिक्सल लैब, आप प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, तो आपको उधर ढूंढने का जरूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको सीधा इधर से ओपन कर लेनी है। ओके, इधर से आने के बाद सबसे पहले काम है आपका इसका साइज ठीक करना है। हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है, तो ऊपर में जो 3 डॉट नज़र आ रहा है राइट में, इसमें क्लिक करने के बाद आपको इधर इमेज साइज लेना है, इधर से कस्टम साइज को क्लिक करनी है। तो हमें यूट्यूब थंबनेल बनाना है, देखिए यूट्यूब थंबनेल लिखा हुआ है। अब इसमें क्लिक करने के बाद डिफॉल्ट उसका साइज उसने ले लेनी है। तो सबसे पहले काम है आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करनी है। बैकग्राउंड कलर आप इसमें से ले लीजिए इधर, चलिए मैं कोई भी एक लगा देता हूँ, चलिए मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। ले लेने के बाद इसको टिक कर दीजिए, ये सेव हो गया। उसके बाद आपको इसमें लिखना है, तो इधर ए नज़र आ रही है, इसमें क्लिक करें, तो टेक्स्ट में क्लिक करें या ऑडिट में क्लिक करें, तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा, आप इसमें लिखो। मैं लिखता हूँ HD, ओके कर देता हूँ। डन कर देने के बाद ओके कर देता हूँ, इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एच बहुत छोटा है, नज़र नहीं आ रही है। तो चलो इसको जिधर भी आपको सेट करनी है उस जगह में सेट कर लीजिए। उसके बाद इसको टिक करने के बाद आप इसमें कलर डाल दो। कलर में ऐसा करता हूँ, ये कलर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए, इधर से बोल्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें थोड़ा सा स्ट्रो डाल दीजिए, स्ट्रो डाल देने के बाद इसका लुकिंग थोड़ा अच्छा हो जाता है। ओके जी, फिर ओके कर दिया, ख़त्म। नेक्स्ट आपको फिर से वही प्रोसेस में जाना है, इसमें लिखना है थंबनेल। तो चले हम इसको लिख देते हैं थंबनेल, डन कर दीजिए। डन करने के बाद ओके कर दीजिए, आपके पास इधर आ जाएगा थंबनेल। अब इसको साइज आप यहाँ से भी खींच के भी कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हैं। चले हम इसको इधर से कर देते हैं। कर देने के बाद आपको इसमें कलर दे देना है। कलर क्या दोगे आपका मर्जी है, मैं यही कलर दे देता हूँ, ताकि मैं आपको चाहता हूँ जल्द से जल्द आपका टाइम भी लॉस ना हो। मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बता देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिए, मुश्किल नहीं है। तो इसको बोल करने के बाद भी अगर आपको सही नहीं लग रहा है, तो इसमें बोल कर दिया। कर देने के बाद आप इसमें फॉरन भी चेंज कर दीजिए अपना मर्जी से, मैं यही कर देता हूँ। ये करने के बाद स्ट्रो डाल देता हूँ, इसको भी डाल दिया। डालने के बाद इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा और ज़्यादा कर देता हूँ, थंबनेल हो गया, ठीक है।
फॉरेन इसमें आप कोई भी फॉरेन चेंज कर सकती हो। देखो इसमें कई सारा फॉरेंट लगा हुआ है, तो आप कोई भी कर सकती हो। ठीक है, ये डाल देता हूँ। उसके बाद लिखना है आपको दोबारा, आप फिर टैक्स में जाइए, ऑडिट में जाइए। ऑडिट में जाने के बाद इधर सेम प्रोसेस है, ये इसको काट के आप वन मोबाइल लिख देता हूँ। चलो ठीक है, वन मोबाइल लिख दिया। फिर से इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। मैं इसको इधर ले आता हूँ, ओके कर देता हूँ। फिर इसको कलर आपको चेंज करनी है तो मैं यही कलर डाल देता हूँ। आप कोई भी कलर इधर से दे लीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द बता रहा हूँ, इसीलिए जो है ना बोल्ड कर दिया। फिर इसमें स्ट्रोक भी थोड़ा सा डाल देता हूँ, ओके कर दिया। उसके बाद दोबारा आपको टेक्स्ट में जानी है, और भी कुछ लिखना चाहता है तो ऑडिट में जाइए, क्लिक करें, इसको काटे, 2021 लिख देता हूँ। ये 2021 की ऐप है तो इसको कर देता हूँ। इसको आप साइज़ बड़ा करना है, साइज़ कर लीजिए इधर से, जितना बड़ा आपने मर्जी करनी है कर लीजिए, ओके कर दीजिए। कलर को इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक कलर डाल देता हूँ, आप अपना मर्जी से कलर डाल दीजिएगा। इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड भी कर दिया। उसके बाद स्ट्रो इसमें भी डाल देता हूँ, स्ट्रो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। देखिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रही है। तो उसके बाद इसको साइज़ में सबको ठीक करनी है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो करने रहने। और उसके बाद अभी देखिए, अभी इस साइज में जगह खाली है, आप चाहे कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हो। फ़ोटो ऐड करने के लिए आपको प्लस बटन भी क्लिक करनी है फ्रॉम गैलरी। तो इधर आपको जो भी फ़ोटो आपको पसंद आए वो फ़ोटो इधर से ले लीजिए। मैं ऐसा करता हूँ, ये फ़ोटो ले लेता हूँ। ये फ़ोटो लेने के बाद जैसा साइज़ थोड़ा सा ठीक कर लीजिए आपका मर्जी, या नहीं करने का राइट साइड में आपको टिक नज़र आएगा, इसमें क्लिक कर दीजिए। जैसे इसको क्लिक कर दिया जाएगा आपको फ़ोटो इधर आ जाएगी। अभी फ़ोटो को थोड़ा सा जो भी साइज़ आप करना चाहती हो तो करें, नहीं करना चाहते आपका मर्जी है। इसमें भी थोड़ा सा स्ट्रो डालने के लिए आपको इधर फिर से इधर आनी है। इधर आने के बाद आपको स्ट्रो डाल देना, इधर क्लिक कर दियो। देखो व्हाइट कलर का थोड़ा सा स्ट्रो आ गया, अच्छा लग रहा है। आप चाहे तो कोई भी कलर का स्ट्रो डाल सकते हैं, चाहे तो आप रेड डालो। देखो इसको जितना बड़ा करें इतना बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको रेड नहीं व्हाइट ही डालूंगा। तो व्हाइट कलर मुझे अच्छा लगता है, इस बैकग्राउंड का साथ इसको फिट हो रहा है व्हाइट कलर, तो मैं व्हाइट कलर को ही ओके कर देता हूँ। देखिए ऑलमोस्ट हमारा थंबनेल बन चुका है। अभी अगर आपको चाहिए तो इधर में इधर और भी कुछ ऐड करनी है तो कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक यूट्यूब का लोगो को इसमें ऐड करके दिखाता हूँ। उसी से फिर से आपको प्लस बटन में क्लिक करनी है, गैलरी में जानी है, आप लोगो किधर रखा हुआ है उधर आप जा सकती हो। उधर जाने के बाद आप लोगो इधर से ले लीजिए जी, हाँ इधर काफ़ी। चलो मैं ये राउंड कलर का ले लेता हूँ, राउंड साइज में अच्छा लगेगा। इसमें इसमें से थोड़ा सा साइज आपको ठीक कर लेनी है पहले से ही। साइज ठीक कर लेने के बाद उधर आपको तकलीफ नहीं होगा, काम इजी होगा। उसके बाद ये जब राउंड है तो हम इसको राउंड करने के लिए इधर लेफ्ट साइड में देखे एक बॉल है, इसमें क्लिक करने के बाद आपका साइड में जो है वो सारा कटिंग हो जाएगा। कटिंग होने के बाद इसमें राइट साइड में आपको टिक में क्लिक कर देना, ये फ़ोटो आपको इधर आ गया, ये लोगो इधर आ गया। इसको आप साइज़ करो अपना मर्ज़ी से, जितना छोटा बड़ा करना चाहती हो आप अपना मर्ज़ी से करो, मैं इतना ही रखूँगा इधर। ये फ़ोटो ज़्यादा ये हो रहा है तो इसको थोड़ा सा इधर साइड में ले आऊँगा। ठीक है, ये यूट्यूब लोगो मैंने इधर लगा दिया, काम हो गया। इसमें स्टू डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्टू डालेगा, अच्छा रहेगा। ब्लैक कलर का थोड़ा सा स्टू लगा देता हूँ, रेड कलर है अच्छा लगेगा रेड के साथ ब्लैक। देखिए ये स्टू लग गया, सही हो गया काम। अब ये ऑलमोस्ट हमारा ये थंबनेल रेडी है। आप चाहे तो कोई भी और भी ऐड कर सकते हो, जैसे ऐड करने के लिए आपको सेम ये प्लस बटन में क्लिक करनी है, तो फ्रॉम गैलरी क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका कौन सा फ़ोटो लेनी है तो ये PNG यही ले लेता हूँ, जो सॉफ्टवेयर से मैं काम कर रहा हूँ इसका एक लोगो ले लेता हूँ आपको दिखाने के वास्ते, ये ले लिया। तो उसके बाद हमें सेम इस बॉल में क्लिक करनी है, राइट में क्लिक करनी है, ये PNG इधर आ जाएगा।
हाँ, सबसे बड़ी बात है, एक ये बात आपको बोलना भूल गया, इस थंबनेल बनाने के लिए आपको फोटो को PNG बनाना बहुत ज़रूरी है। PNG यानी इसका बैकग्राउंड कुछ नहीं रहेगा, बैकग्राउंड सिर्फ आपका फ़ोटो रहेगा, बैकग्राउंड में आप कुछ भी लगाओ। तो कोई भी फ़ोटो खींचेगा बैकग्राउंड तो होता ही है। अभी इस बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करें, अगर आप लोगों को इसका जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो इसको PNG के आपको एक क्लिक में, यानी एक क्लिक में आपका फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, किसी भी कलर की बैकग्राउंड हो इसको रिमूव करके आपका फोटो PNG बन जाएगा। आपको इसका जानकारी चाहिए प्लीज़ मेरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है जी, तो ठीक हो गया। अभी इधर हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट रेडी है, तो हमें आपको इसको सेव करना है। सेव करना है तो आपको इधर सेव बटन में क्लिक करनी है। इधर देखिए दो ऑप्शन है, सेव एज ए प्रोजेक्ट, सेव एज ए इमेज। तो आपने सेव एज ए इमेज में क्लिक करें तो इसमें इधर देखिए सेव टू गैलरी, सेव टू गैलरी में करेगा तो ऑलरेडी सेव हो जाएगा। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा इधर कस्टम में क्लिक कीजिए 1 मिनट के लिए, तो इसमें अल्ट्रा में क्लिक कीजिए तो आपका फ़ोटो बहुत अच्छा होगा, HD में होगा। तो ये देखिए ऑलरेडी हमारा फ़ोटो ऐड हो चुका है। ठीक है, फ़ोटो ऑलरेडी शेयर गैलरी में सेव हो गया है, तो थंबनेल इज़ रेडी। तो चलिए दोस्तों, आप लोग देख लिए कितना इजी आप लोगों ने ये बना सका। तो आज का वीडियो यहाँ तक है, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो पे। ओके दोस्त, कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, कुछ कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट नंबर पे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का ये चीज़ को क्लियर करने के लिए। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।